जरूर से कहेंगे चैप्टर 255 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इस पूरे इंटायर चैप्टर में लिटरली सुकूना काफी स्ट्रगल करते हुए दिखाया गया। ऑल्दो ये चैप्टर काफी हैवी टेक्स्ट बेस्ड है एंड इस पूरे चैप्टर में मेगोल का रोल ज्यादा नहीं दिखाया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे दो ऐसे कैरेक्टर दोबारा वापस आ चुके हैं जहां पे लिटरली सुकूना ने उनकी बैंड बचा के रख दी थी। तो जो भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पूरी फाइट मेगोल के ऊपर होने वाली है वो बिल्कुल गलत प्रूफ हो चुके हैं, क्योंकि ये फाइट लिटरली मेगोल की नहीं है, नॉट इंटायरली, क्योंकि ये दो कैरेक्टर ने लिटरली सुकूना का जीना हराम कर दिया है। एंड इस स्पॉइलर को पढ़ने के बाद डेफिनेटली सुकूना काफी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहा है, बट इट इज सुकूना एंड सुकूना साइकिल इज कम्प्लीटली ट्रू। सो बिना किसी देरी के हम जरूर से कहते हैं चैप्टर 255 के स्पॉइलर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है मेगोल एंड गेटो के एक बहुत पुराने गैंग मेंबर से जिसका नाम होता है लेयर। एंड लेयर ने भी कर्स टेक्निक से कुसुकावे को बचा लिया। अब इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पे यूटा लेयर है मेगोल से एक रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि तुम सुकूना से लड़ने के पहुंच जाना जब हम लोग वहां से चले जाए या फिर हम नहीं हरा पाए। तो मेगोल इस चीज को कम्प्लीटली मना कर देता है। वो कहता है कि जब गोजो नहीं हरा पा रहा तो तुम नहीं हरा पा रहे तो मैं अकेले मिलकर कैसे हरा दूंगा। बट लेयर कहता है कि मैं तैयार हूं, मैं सुकूना से लड़ने को तैयार हूं एंड वो अपने दोस्त मेगोल को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि चलो हमें लड़ना चाहिए। जब यूटा कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें उससे पूरा इंटायरली थ्रू आउट लड़ना है, मैं बस ये कह रहा हूं कि हम सुकूना को इतना डैमेज कर देंगे कि तुम जाके फाइनल ब्लो देना जिससे सुकूना खत्म हो जाए। जहां पे यूटा ये चीज को मेंशन करता है कि हमें सुकूना को अभी मारना होगा एंड अगर तुम सुकूना से अभी नहीं लड़ते तो तुम्हें बाद में जब सुकूना टेंजन से मर्ज हो जाएगा तो तुम्हें जब लड़ना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि हम सुकूना से अभी लड़े जब वो एक ह्यूमन फॉर्म में है रेदर कि जब वो एक गॉडजिला फॉर्म में आ जाएगा एक जायंट उसमें तब जाके लड़े। मगर मेगोल तब भी सोच के इस चीज को मना कर देता है। वो ये कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि जापानीज पीपल हमेशा इतने उतावले क्यों रहते हैं एंड उनको क्या लगता है कि ब्लैक पीपल हमेशा कुछ भी सरवाइव कर सकते हैं। मेगोल कहता है कि मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर तुम इस रिक्वेस्ट को पूरा कर देते हो तो मैं डेफिनेटली सुकूना से लड़ लूंगा। वो ये कहता है कि गोजो सातोरो को बुलाओ और मेरे पैरों के नीचे झुकाओ, अगर वो मेरे पैर के नीचे झुकता है तो मैं डेफिनेटली उससे लड़ लूंगा। फिर लेयर एंड मेगोल एक प्राइवेट टॉक पे जाते हैं जहां पे वो ये कहता है कि मैं गेटो की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं एंड मैं गेटो का जितना भी उसने मेरे पे एहसान किया मैं उसको उतारना चाहता हूं, तो हमें गोजो को बचाना होगा इसलिए हमें सुकूना से लड़ना होगा। इस चीज को मेगोल इस चीज को सुन के हां कर देता है एंड कहता है कि लेयर एंड मेगोल मैं एक साथ लड़ेंगे। बट मेगोल एक कंडीशन रख देता है, वो ये कहता है कि मैं सुकूना से जब ही लड़ूंगा जब गोजो एंड यूटा हार चुके होंगे एंड जब सुकूना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं कर पाएगा एंड मैं अपने दोस्त लेयर के साथ लड़ूंगा, इसी कंडीशन के साथ लड़ूंगा मैं सुकूना से। नाउ बैक टू द प्रेजेंट, मेगोल एंड लेयर ये चीज नोटिस कर लेते हैं कि सुकूना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज नहीं कर सकता है एंड इनफैक्ट उसकी जो कर्स एनर्जी है एंड जो आरसीटी है वो काफी वीक है, इनफैक्ट उसका हार्ट भी कम्प्लीटली हील नहीं है। जहां पे लेयर अपने कर्स एनर्जी को यूज कर्स टेक्निक को यूज करता है एंड सुकूना को पकड़ लेता है, बट उससे पहले सुकूना मेगोल की तरफ स्लैशेस फेंक देता है बट मेगोल उनको बहुत अच्छी तरीके से डॉच करता है, इनफैक्ट उन स्लैशेस के बीच से निकल जाता है। अब नरेटर लेयर की कर्स टेक्निक को एक्सप्लेन करता है, वो ये बताता है लेयर की कर्स टेक्निक ऐसी है कि एक इमेजिनरी हैंड आता है एंड वो अपने ओपोनेंट को पकड़ लेता है, बट अगर वो हाथ इमेजिनरी हाथ टूट जाए तो उसका थोड़ा बहुत डैमेज लेयर को भी होता है। फिर सुकूना ये सोचता है कि लेयर कर्स टेक्निक तो तब भी ठीक है बट मेगोल की कर्स टेक्निक काफी इंटरेस्टिंग है एंड उस टेक्निक का नाम है हकुना लाना। मेगोल की कर्स टेक्निक ऐसे है कि वो अपनी बॉडी को एक म्यूजिकल रिदम में घुमा सकता है एंड उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी काफी बूस्ट हो जाती है जिससे वो ओपोनेंट्स के अटैक को बहुत सिंपली रिदम में डॉच कर सकता है। अब एक बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देता है गोजो पास्ट के अंदर जब वो मेगोल की कर्स टेक्निक यूटा को समझा रहा हो, तो वो ये बताता है कि भले ही मेगोल की कर्स टेक्निक काफी अच्छी है बट वो इतनी कारगर नहीं है अंटिल उसका ओपोनेंट थोड़ा सा लॉन्ग रेंज फाइटर। बट गोजो एक चीज की तारीफ करते हैं मेगोल की कि जो उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी है वो बहुत ही टॉप नॉच है एंड जो जितने भी नॉस जुजुत्सु काइजन के सॉर्सरर है वो कर्स एनर्जी को यूज करते हैं ताकि वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा पाए, बट मेगोल ऑलरेडी इतनी ज्यादा फिजिकल स्टैट्स रखता है कि उसको कर्स एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेगोल ये कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम ब्लैक लोगों का मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि उनकी फिजिकल स्टैट्स काफी अच्छे होते हैं? ऐसा नहीं है, ब्लैक लोगों के फिजिकल स्टैट्स इतने अच्छे नहीं होते, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। गोजो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो बस तुम्हारी कर्स एनर्जी को बता रहा था। मेगोल कहता है ठीक है। बैक टू द फाइट, मेगोल डायरेक्ट चार्ज कर देता है सुकूना की हु पर क्लोज कॉम्बैट पे एंड वो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है एंड एक बहुत ही हैवी हिट पंच लैंड करता है सुकूना को। इतनी देर से आसमान से यूजी आता है एंड वो डायरेक्ट सुकूना के ऊपर अपने हिट लैंड कर देता है। अब यहाँ पे नरेटर एक चीज को एक्सप्लेन कर देता है जहाँ पे वो ये बताता है कि सुकूना जब अपने मेंटल स्लीव्स एंड डिसमेंटल स्लैश को यूज करता है तब उसको एक हैंड साइन बनाना पड़ता है, बट जब से
गोजो और सुकुना की फाइट में जब गोजो ने सुकुना का एक हाथ उड़ा दिया था एंड उसके बाद उसने एक बाउंडिंग वॉ बनाया स्लैशेस के लिए, जिसके कारण से सुकुना बिना हाथों के हैंड साइन बनाए हुए वर्ल्ड स्लैश भेज सकता है। इसी के कारण से उसने गोजो को मार दिया। और जब सुकुना अपने ओरिजिनल फॉर्म में आया, सुकुना को अपने दोनों हाथों को यूज करना पड़ता है उस हैंड साइन को यूज करने के लिए। इनफैक्ट सुकुना को एक डायरेक्शन भी देनी पड़ती है उन स्लैशेस को भेजने के लिए, जो कि टाइम टेकिंग है। इसके अगले पैनल में ही माँ की उतरती है एंड सुकुना के दोनों लेफ्ट आर्म को काट देती है एंड काटने के बाद एक क्रेजी स्माइल देती है। सुकुना शॉक हो जाता है कि माँ की इतनी जल्दी रिटर्न कैसे कर गई, क्योंकि अभी तो 2 मिनट पहले उसको ब्लैक फ्लैश पड़ा है। अब यहाँ को यूजी को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि सुकुना एक बहुत बड़ी मुश्किल में है एंड सुकुना अपने वर्ल्ड स्लैश भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसको अपने हैंड साइन बनाने पड़ेंगे। इनफैक्ट उसकी RCT भी बहुत ज्यादा कमजोर है, तो हम पे ये चांस है कि हम सुकुना को हरा पाए। तभी सुकुना को लगता है कि नाउ इट्स टाइम टू गेट लिटिल बिट सीरियस, तो वो लेयर को पकड़ता है एंड उसके डायरेक्ट मुंह पे एक ब्लैक फ्लैश जड़ देता है। अब जैसे गोजो ने जैसी ब्लैक फ्लैश सुकुना को जड़ा था, उसकी कर्स एनर्जी वापस आ गई थी विद ग्रेट आउटपुट। सिंपली सुकुना भी यही चीज करता है एंड सुकुना की कर्स एनर्जी वापस आ रही है, जिससे वो अपनी RCT अब आगे परफॉर्म कर पाएगा। एंड इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है, जो कि काफी अच्छा है। बट इस फैक्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि मिलकर सुकुना को हराने इट माइट बी पॉसिबल, बट सिंगल हराना तो नामुमकिन है। एंड माकी का एंटर होना एंड यूजी का एंटर होना काफी अनएक्सपेक्टेड था। मुझे तो यही लगा था कम्प्लीटली कि मिगुल ही लड़ेगा एंड अगर यूटा भी ज्वाइन कर लेता है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सुकुना के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। सो अगर आपको स्पॉइलर पसंद आए हो सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको जरूर से कहते हैं कि ऐसी ही वीडियो के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल सायोनारा।